हेलो दोस्तों, आज 1 अक्टूबर 2023 दिन रविवार का, हैप्पी संडे आप सभी को। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट मिलने वाला, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। एलपीजी गैस सिलेंडर के रेट से शुरुआत करते हैं। आज यानी रविवार से ही कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 209 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि की घोषणा कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक रविवार यानी आज 1 अक्टूबर से ही 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 209 रुपए बढ़ जाएगी। ANI ने रात को 11:29 पर यह ट्वीट भी किया, आप देख पा रहे हैं। साथ ही पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री ने शनिवार यानी 30 सितंबर को डोमेस्टिक नेचुरल गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान भी किया। सरकार ने घरेलू नेचुरल गैस के दाम 6.5% बढ़ा दिया है और ऐसे में अब CNG और PNG की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। 2000 रुपए के नोट से जुड़ी बड़ी खबर भी आ रही है। 2000 के नोट बदलने की मियाद RBI ने 1 हफ्ते बढ़ा दी है। RBI का नया सर्कुलर आया जिसमें कहा गया कि 7 अक्टूबर तक आप ये नोट बैंकों में बदलवा सकेंगे, पहले 30 सितंबर की तारीख थी। RBI ने इसी साल 19 मई को एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें कहा गया था कि 30 सितंबर तक 2000 रुपए के नोट बैंकों में जमा करने या बदलने हैं। बिना किसी डॉक्यूमेंट के 7 अक्टूबर तक 2000 रुपए के नोट बैंकों में बदलवा सकते हैं। और हां दोस्तों, आज PM मोदी जी का तेलंगाना दौरा, 21,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री मोदी रविवार दोपहर करीब 2:15 बजे महबूब नगर जिला पहुंचेंगे। पीएम मोदी आज तेलंगाना के दौरे पर आएंगे। मानसून को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। देश में इस साल मानसून का मौसम है वो समाप्त हो गया है। औसत से कम बारिश दर्ज की गई है। दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम शनिवार को समाप्त हो गया। इस मौसम में भारत में औसत से कम बारिश हुई, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ये जानकारी दी है। मानसून का मौसम इस साल खत्म हो गया, भारत में सामान्य बारिश हुई है, अल नीनो का भी ज्यादा असर नहीं रहा, IMD ने अपडेट दिया है। आज 1 अक्टूबर से संशोधित GST कानून भी लागू हो जाएगा, वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कसीनो और गुरुद्वार पर टैक्स लगाने के लिए संशोधित GST कानून प्रावधानों को लागू करने की तारीख 1 अक्टूबर नोटिफाई की गई है। रविवार से ऑनलाइन गेम जैसे घुड़दौड़, कसीनो और अन्य जो गेम है जिनमें स्किल और लक दोनों शामिल है, उनके कुल मूल्य पर 28% GST लगेगा। अमेरिका में शटडाउन का खतरा फिलहाल टल गया है। प्रतिनिधि सभा ने 45 दिनों के लिए फंडिंग बिल को मंजूरी दी है। रिपब्लिकन द्वारा खर्च में भारी कटौती की मांग छोड़ने के बाद प्रतिनिधि सभा ने शटडाउन को रोकने के लिए विधेयक पारित कर दिया। सदन ने 45 दिनों के लिए फंडिंग बिल को मंजूरी दे दी है। अमेरिका में इस बिल के समर्थन में 335 सांसदों ने वोट डाला, 91 सांसदों ने विधेयक का विरोध किया। शटडाउन के बिल्कुल कगार पर पहुंच चुके इस सरकार को इससे बहुत राहत मिली है। बेंगलुरु में 854 करोड़ रुपए की साइबर धोखाधड़ी पकड़ में आई है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम से लोगों को फंसाया जाता था, ज्यादा रिटर्न का लालच देते थे। 6 लोग फिलहाल गिरफ्तार हुए हैं। यानी बेंगलुरु पुलिस ने 854 करोड़ रुपए की एक साइबर धोखाधड़ी पकड़ी है। एक निवेश योजना की आड़ में देश भर से हजारों लोगों को ठगने का इन पर आरोप लगा है। शुरुआत में इन्होंने कहा था कि 1,000 रुपए से 10,000 रुपए का निवेश करे तो उन्हें हर दिन 1,000 रुपए से 5,000 रुपए का मुनाफा होगा। आरोपियों ने निवेश पर ज्यादा रिटर्न देने का वादा किया था और लोगों का भरोसा जीतने के बाद उनसे बड़ी राशि जमा करानी शुरू कर दी। ऑनलाइन पैसा लिया गया, 84 बैंक खातों में राशि जमा कराई गई। दिल्ली NCR में आज से ग्रेप लागू हो जाएगा। कूड़ा जलाने सहित कई पाबंदियां लग जाएगी, उल्लंघन पर जुर्माना भी लगेगा। 13 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। यानी दिल्ली NCR में सर्दी के मौसम में होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम को लेकर ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रेप रविवार से ही लागू हो गया। ग्रेप के तहत कई नए नियम लागू हो जाते हैं, सावधानियां बरतनी होती है। नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई के साथ साथ जुर्माना भी लग जाता है। देशवासियों को खुशहाल बनाने की शुरुआत, पीएम मोदी ने संकल्प सप्ताह का आगाज किया। पीएम मोदी ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में भारत मंडपम में संकल्प सप्ताह का आगाज करते हुए देश में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सप्ताह भर का कार्यक्रम शुरू किया। यानी ये संकल्प सप्ताह एक कार्यक्रम है जो एक सप्ताह तक चलेगा। इसे देश के 329 जिलों के 500 आकांक्षी ब्लॉकों में लागू किया जा रहा है। 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर 2023 तक चलने वाले संकल्प सप्ताह का प्रत्येक दिन विकास को समर्पित है। आदित्य L1 सूर्य के क्षेत्र में 9,20,000 किलोमीटर का सफर तय हो गया। इसरो ने दूसरी बार पृथ्वी के क्षेत्र से बाहर यान भेजा। इसरो ने बताया कि आदित्य L1 पृथ्वी से 9,20,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर चुका है। यान अब पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से सफलतापूर्वक निकल गया है और आगे बढ़ रहा है। मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया, 4 देशों में भेजा जाएगा भारत का प्याज। केंद्र सरकार ने प्याज उत्पादक किसान भाइयों के हित में यह बड़ा फैसला लिया है। प्याज पर से एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाई गई है, इससे लाखों किसानों को राहत की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के इस फैसले से किसानों को बहुत फायदा होगा, प्याज के उचित रेट भी मिल पाएंगे। वित्त मंत्रालय ने प्याज से एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाए जाने को लेकर एक अधिसूचना भी जारी कर दी है। लेकिन खास बात है कि केंद्र सरकार ने
केवल बेंगलुरु रोज किस्म के प्याज पर से एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाई है। बैंक कर्मचारियों की हड़ताल से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज यूनियन ने बैंकों में कर्मचारियों की बढ़ोतरी की मांग को लेकर हड़ताल करने का ऐलान किया है। बैंक कर्मचारी 13 दिन हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान बैंक कर्मचारी देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल का समापन 19 और 20 जनवरी को अखिल भारतीय बैंक हड़ताल दो दिवसीय हड़ताल के बाद होगा। AIBEA 4 से 11 दिसंबर तक बैंकवार हड़ताल करेगा। इसके अलावा ये 2 से 6 जनवरी 2024 तक स्टेट लेवल हड़तालें भी होगी। यानी कुल मिलाकर दिसंबर से लेकर जनवरी तक बैंक के कर्मचारी अलग अलग तारीखों पर हड़ताल पर रहेंगे। NSE पर कुल रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स का आंकड़ा 8 करोड़ के पार हो गया। सिर्फ 8 महीने में 1 करोड़ निवेशक जुड़े हैं। मतलब हमारे देश में शेयर बाजार में निवेश करने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। आंकड़ों में आप देख सकते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE पर पिछले 8 महीने में नए निवेशकों का रजिस्ट्रेशन 1 करोड़ के आंकड़े पर पहुंच गया। NSE पर कुल निवेशकों की संख्या 8 करोड़ से ज्यादा हो गई है। कनाडा पेश करें सबूत, निजर मर्डर मामले पर जयशंकर ने अमेरिका में चुनौती दी है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका में है, जहां पर उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री और NSE से मुलाकात की। कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो के आरोपों के बाद US लगातार भारत को जांच में सहयोग की सलाह दे रहा है। लेकिन इसी बीच विदेश मंत्री ने वाशिंगटन में मीडिया से बातचीत में कनाडा से कहा कि अगर कोई सबूत है तो वे भारत को दिखाएं। वहीं व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन की सीधी जंग के आसार बढ़ गए, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट और खबरें हैं। रूस और अमेरिका की सबमरीन आमने सामने आ सकती हैं। यूक्रेन को क्रीमिया जिताने के लिए ब्रिटेन और अमेरिका ने लॉन्ग रेंज मिसाइलें दी। 3 अक्टूबर को रूसी क्षेत्र के सागरों से लेकर रूस की जमीन तक परमाणु युद्ध की रणभेरी बच जाएगी, ऐसी खबरें हैं। पुतिन ने महाविनाशक परमाणु हमले की तैयारी की है, तो ऐसे में क्या युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं रूस और अमेरिका, बड़ा सवाल उठता है। रूस और यूक्रेन युद्ध में अब महाविनाश का चरण शुरू होने वाला है। रूस ने पहली बार पूरे देश में परमाणु युद्धाभ्यास की घोषणा कर दी है। 3 अक्टूबर को रूस की स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फोर्सेज यानी परमाणु त्रिमूर्ति पूरी शक्ति के साथ युद्धाभ्यास शुरू कर देगी और राष्ट्रपति पुतिन खुद इस युद्धाभ्यास की निगरानी करने वाले हैं। बच्चों का करियर खराब न हो जाए, कनाडा और भारत में तनातनी के बीच पेरेंट्स की टेंशन फिलहाल बढ़ी हुई है। निजी दुश्मनी के लिए नहीं कर सकते SC ST एक्ट का इस्तेमाल, झारखंड हाईकोर्ट का आदेश है। झारखंड हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए SC ST एक्ट के तहत दर्ज किए गए मामले को रद्द कर दिया गया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि SC ST अधिनियम का विशेष कानून समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्ग के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया। इसका इस्तेमाल बदला निकालने और हिसाब किताब बराबर करने के साधन के रूप में नहीं किया जा सकता। ये मामला जमीन विवाद से संबंधित था और विवाद जमीन को लेकर हुआ था, जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने के लिए नहीं हुआ था। भारतीय रेलवे 1 अक्टूबर यानी आज से ही ट्रेन की तेज गति से सफाई के लिए चमत्कारिक 14 मिनट की अवधारणा अपनाने जा रहा है और इसकी शुरुआत आज से 29 वंदे भारत ट्रेनों से देश भर में होगी। यानी इस व्यवस्था के तहत वंदे भारत ट्रेन की सफाई 14 मिनट में की जाएगी। गुजरात से जुड़ा अपडेट, PLI योजना के तहत 6000 करोड़ के निवेश को मंजूरी, गांधीनगर में अमित शाह ने यह ऐलान किया। 4000 हेक्टेयर एरिया, 30 अस्थायी पुल, 40 करोड़ श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी तेज हो गई है। संगम नगरी प्रयागराज में 15 महीने बाद आयोजित होने वाले महाकुंभ की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जनवरी 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ में तकरीबन 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर से जुड़ा अपडेट, कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई है, 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया, पाक नकदी और हथियार भी बरामद हुए हैं। पंजाब में रेल रोको आंदोलन 3 दिन बाद खत्म हुआ, ट्रैक पर दौड़ी गाड़ियां, आंदोलन के कारण 581 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। राजस्थान सरकार ने प्रशासन शहरों के संग अभियान की अवधि 6 महीने बढ़ा दी है। शनिवार को सरकार ने यह बड़ी घोषणा की है। प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 की अवधि 31 मार्च 2024 तक बढ़ाई गई है। पूर्व में यह अवधि 30 सितंबर 2023 तक थी। राजस्थान में मिले सोने की खान की अब नीलामी हो पाएगी, सरकार के पक्ष में हाईकोर्ट का फैसला आ गया। राजस्थान के आदिवासी जिले बांसवाड़ा में सोने की खान की अब नीलामी होगी। दरअसल बांसवाड़ा जिले के भूकिया जगपुरा क्षेत्र में कुछ साल पहले सोने के भंडार मिले थे। बताया जा रहा है कि खान में करीब 1,34,178 करोड़ रुपए का स्वर्ण भंडार है। राजस्थान के कोटा में बदलेगा कोचिंग का सिस्टम, फीस रिफंड के साथ मिलेगा एग्जिट का ऑप्शन, पेरेंट्स की भी क्लास लगेगी, इस तरह की गाइडलाइन जारी। राजस्थान BSTC काउंसलिंग से जुड़ी खबर, रिजल्ट के बाद अब राजस्थान BSTC प्री DLED काउंसलिंग 5 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। हरियाणा में आयुर्वेद PG कोर्स के नियमों को सख्त कर दिया गया, बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले स्टूडेंट पर 3 साल बैन, 7.5 लाख का बॉन्ड भी खत्म है। दरअसल हरियाणा सरकार ने 2023-24 शैक्षणिक सत्र के लिए राज्य भर के सरकारी और निजी कॉलेजों में आयुर्वेद कोर्स में MD या MS के लिए नियमों को सख्त कर दिया है। उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला, 32 IAS अफसर हुए इधर से उधर। योगी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले नौकरशाही में बड़ा बदलाव करते हुए 32
ये सब शुरू को इधर उधर किया है। वहीं पुलिस की कोई गलती नहीं, अतीक अहमद हत्या मामले में यूपी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। बाहुबली नेता अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस हिरासत में जान चले जाने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है और हलफनामे में सरकार ने कहा कि अतीक अहमद की हत्या में पुलिस की कोई गलती नहीं है। इसके साथ ही सरकार ने हलफनामे में यह भी कहा कि उसने अहमद सहित 7 कथित फर्जी मुठभेड़ हत्याओं की जांच भी की है और ये निष्कर्ष निकाला कि यूपी पुलिस की ओर से कोई गलती नहीं थी। पुलिस पर लगाए गए व्यापक आरोप झूठे हैं। यूपी में आज रविवार सहित धान, मक्का, बाजरा और ज्वार की खरीद की जाएगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिलों और बुंदेलखंड से इसकी शुरुआत की जा रही है। वहीं पूर्वी यूपी के जिलों में 1 नवंबर से इसकी खरीद शुरू होगी। ए ग्रेड धान का समर्थन मूल्य 2203 रुपए प्रति क्विंटल और कॉमन धान 2183 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। यूपी पुलिस में 52,000 सिपाही भर्ती के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना जारी हुई है। विभिन्न पदों पर होने वाली भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की कराई जाने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित कराने के लिए EOI आमंत्रित किए गए और इसके लिए कैंडिडेट्स को 16 अक्टूबर तक का समय भी दिया गया। 52,699 पदों पर नियुक्तियां होनी है। जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होगा। आधिकारिक वेबसाइट को विजिट करते रहें। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूपी सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने कहा कि यूपी पुलिस में सिपाही के इन पदों पर भर्ती से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जल्द ही भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होगा। नोएडा की तर्ज पर अब गाजियाबाद भी होगा ITMS से लैस। ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त होगी। यूपी सरकार ने गाजियाबाद की ट्रैफिक व्यवस्था के लिए ITMS परियोजना के लिए स्वीकृति दी है। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी ITMS के लिए 8,575.71 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 20 से ज्यादा पदाधिकारी कांग्रेस में शामिल हुए, इस तरह की अपडेट खबर है। हरियाणा में अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना में हर वर्ग शामिल, अब मिलेंगे 80,000 रुपए। मुख्यमंत्री जी ने लाभार्थियों से ऑनलाइन संवाद करते हुए राशि बढ़ाने के साथ ही गरीबों को सौगात दी है। 1,00,000 लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया। गरीब लोगों के पुराने मकान की मरम्मत के लिए चलाई जा रही डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना की राशि और दायरा दोनों बढ़ा दिया गया। अब इस योजना में उन सभी वर्गों को शामिल किया गया जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक है और जो राशि मिलती है वो 50,000 से बढ़ाकर 80,000 रुपए कर दी गई है। ये राशि सीधे ही लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा करवाई जाती है। NMC ने मेडिकल कॉलेजों के लिए नई अधिसूचना जारी की है। नियम तोड़ने पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। सरकार ने क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया, 10,000 से बढ़ाकर 12,100 रुपए प्रति टन किया। सुरक्षा कर्मियों ने स्टूडेंट पर लगाया एक्स्ट्रा फोर्स, मणिपुर CM ने कहा जिम्मेदार गिरफ्तार होंगे। NIA ने सरकार के खिलाफ जंग छेड़ने वाले एक आरोपी को भी पकड़ा है। मणिपुर CM N. बीरेन सिंह ने शनिवार को कहा कि 2 स्टूडेंट की हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल किया गया। मैं इस घटना से हैरान हूँ, मामले की जांच की जा रही है और जो लोग इसमें शामिल पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। कोर्ट ने मोनू मानेसर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। हिमाचल में 4,500 करोड़ के स्पेशल पैकेज का ऐलान हुआ। CM ने कहा कि जिनके घर टूटे हैं उन्हें 7,00,000 रुपए देंगे। भूमिहीन को मकान बनाने के लिए जमीन भी दी जाएगी। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू जी ने आपदा पीड़ितों के उद्यान के लिए 4,500 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 3,500 करोड़ रुपए से उन लोगों को बसाया जाएगा जिनके घर इस आपदा में पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, जबकि 1,000 करोड़ रुपए MLA फंड और मनरेगा के तहत डंगे लगाने पर खर्च किए जाएंगे। दिल्ली में शराब की दुकान चलाने वालों के लिए सरकार ने शुक्रवार को भी हाल ही में एक अधिसूचना जारी की थी। इसमें सभी लाइसेंसधारियों से लाइसेंस को 5 अक्टूबर तक रिन्यू कराने को कहा गया। दरअसल नई शराब नीति लाने में लगने वाले समय के कारण सरकार ने अपनी मौजूदा एक्साइज पॉलिसी को 6 महीने तक बढ़ाने का फैसला किया। 1 अक्टूबर से ट्रेनों के टाइम टेबल में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर के 1200 से अधिक पदों पर बहाली होगी, नोटिफिकेशन जारी हो गया। बिहार पुलिस में 48,447 पद खाली हैं। अगले साल 24,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती होगी। इस साल 22,000 बहाली की जाएगी। अहमदाबाद में ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। कनाडा अमेरिका से लाई जा रही थी कोकीन, डाक पार्सल के रूप में ये तस्करी हो रही थी। पुणे के समर्पण लामा बने इंडियाज बेस्ट डांसर, सीजन 3 के विनर, चमचमाती ट्रॉफी के साथ घर लेकर जाएंगे 15,00,000 रुपए। मालदीव के नए राष्ट्रपति बने मोहम्मद मुईज, 54% वोट पाकर चुनाव जीत लिया। मोहम्मद मुईज ने मालदीव के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता। तमिलनाडु में एक बड़ा हादसा हो गया, 55 यात्रियों से भरी बस खाई में गिर गई, 8 लोगों की जाने चली गई। 30 सितंबर को यह बड़ा हादसा हो गया। फ्री मिल रहा iPhone 15, कहीं आप भी तो नहीं फंस गए इस मैसेज के चक्कर में। दरअसल इंडिया पोस्ट ने ट्वीट करते हुए कहा कि कृपया सावधान रहें, इंडिया पोस्ट किसी भी अनाधिकृत पोर्टल या लिंक के जरिए किसी भी तरह का गिफ्ट नहीं देता, यह एक स्कैम है, आप सावधान रहें। एक मैसेज वायरल किया जा रहा जिसमें बताया जा रहा कि इंडिया पोस्ट लकी विनर्स को एक नया iPhone 15 दे रहा, लेकिन इंडिया पोस्ट ने ट्वीट करके अलर्ट जारी किया है, सावधान रहने की नसीहत दी है। ऐसा कोई भी ऑफर नहीं है, बिना इनकम प्रूफ के भी आपको होम लोन मिल सकता है, यानी समय के साथ साथ अब होम लोन लेने का तरीका
तरीका भी काफी बदल चुका है। आज के समय में कई वित्तीय संस्थाओं की ओर से बिना इनकम प्रूफ के भी होम लोन दिया जा रहा है। नेपाल में भारतीय रुपए रखने का नया नियम आपको भी ध्यान रखना चाहिए अगर आप घूमने वगैरह जा रहे हैं। आदेश नहीं मानने पर मुश्किलें बढ़ सकती है। नेपाल सरकार ने भारतीय 100 रुपए से अधिक का नोट नहीं रखने का सख्त निर्देश दिया। नेपाल राष्ट्र बैंक ने सूचना सार्वजनिक किया। भारतीय रुपए से नेपाल में कारोबार नहीं करने का आदेश दिया गया। बदलाव से नेपाली व्यापारियों की बेचैनी बढ़ गई है। केरल घूमने का शानदार मौका मिल रहा है। IRCTC एक शानदार पैकेज लेकर आया। डिटेल आप देख पा रहे हैं। UGC नेट का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। आवेदन शुरू हो गए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने दिसंबर के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी UGC नेट परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 30 सितंबर 2023 से शुरू कर दी है। नवोदय विद्यालय में दाखिले को आवेदन तिथि 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। जवाहर नवोदय विद्यालय से जुड़ा अपडेट है। कक्षा 9 और 11 की खाली सीटों पर एडमिशन लेने के इच्छुक छात्र छात्राएं अगले 1 महीने तक आवेदन कर सकते हैं। वही दोस्तों आज 1 अक्टूबर 2023 से बड़े बदलाव होने वाले हैं। 1 अक्टूबर 2023 से नए नियम भी लागू होने जा रहे हैं। इसको लेकर आज आपको माई स्मार्ट गाइड यूट्यूब चैनल पर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और काम का वीडियो मिलने वाला है। इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाल वाला बटन दबा दें ताकि आज ये वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक कर दें और इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर कर दें ताकि आपके मोबाइल पर वीडियो का रिकमेंडेशन आता रहे और आप ऐसी ताजा खबरों के अपडेट हर रोज देखते रहें। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम कैसा रहेगा? क्लाइमेट वेदर अपडेट के अनुसार आज 1 अक्टूबर 2023 का संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान। अगले 24 घंटों के दौरान कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, गंगीय पश्चिम बंगाल के कुछ इलाके, झारखंड और उत्तरी उड़ीसा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, बिहार, आंतरिक उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मराठवाड़ा, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर, साथ ही उत्तराखंड में 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश होने का अनुमान है। आज के मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज वीडियो में फिलहाल बस इतनी खबरें। ऐसे ही काम की ताजा खबरों के अपडेट हर रोज देखते रहने के लिए लाल वाला सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी एक बार इसे जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।